लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नई मुंबई महापालिका, ये पहली महापालिका, तो यहाँ पे गार्डन बन रहा है। गार्डन में कोई खेल वेल बच्चों के लिए बनाना है तो संदीप नाइक से बोलो, आमदार फंड से उसके बावजूद और क्या बोला तुमने, ये नाका काम करके निवारा सेट तो उधर बनाएंगे उसने शक में। नहीं, वो तो महापालिका से बनाएंगे। अभी चिंता नहीं, देखिए बात ऐसी है कि यहाँ पे स्कूल बनेगा, नाका काम करके निवारा केंद्र बनेगा और हॉस्पिटल के लिए भी MIDC से जगह ले लेंगे, इसी जगह PCC का। आज तक अमृत मेडकर ने आपकी सेवा की, अमित मेडकर ने सेवा की और उसके साथ साथ पूजा मेडकर भी 5 साल उन्होंने भी अच्छे ढंग से काम किया। तो बात ऐसी कि आपके सबके प्यार के बलबूते पे नई मुंबई की महापालिका के ऑफिस पे BJP का झंडा लहराएगा। अभी अभी आज तक चैलेंज दिया ना तो बहुत हो गया, अभी वापस नहीं पहुंचे, उसको मैसेज पहुंच गया। ठीक है, हमेशा ये ऐसी अपन नम्रता से बात करें, लोगों की ताकत अपने साथ, लोगों का प्यार अपने साथ में, अपन लोगों को दिल से चाहते हैं और अपना दिल साफ है, छुटा नहीं है, गंदा दिल नहीं है। जिन्होंने हाथ पकड़ के बड़ा बनाया वो लोगों को, भूलने वाले लोगों को लोग क्या बोलते हैं, चलो जो कुछ भी छोड़ दो। लेकिन मैं बोलता हूं कि अमित मेडिकल के नेतृत्व में, अमृत का तो आशीर्वाद है, अमित मेडिकल के नेतृत्व में इस इलाके का पूरा काया पलट बनाने का वादा मैं करता हूं आप लोगों से। स्कूल का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, फुटपाथ हो, बगीचा हो, मैदान, लाइट, पानी और लोगों में स्वास्थ्य। लोग बोलते नई मुंबई बहुत खूब सुंदर शहर है, बात सच है। हिंदुस्तान के शहरों के में जब कंपटीशन लग जाता है उस टाइम में नई मुंबई को बहुत बड़े बख्शीश मिलते हैं। लेकिन नई मुंबई और दिखने में सुंदर है उसमें शक नहीं है, लेकिन नई मुंबई के लोगों के दिल बहुत सुंदर है। यहाँ पे हर धर्म का, हर जात का, हर पंथ का, हर भाषा का इंसान शांति से रहता है। अभी लोग बोलते थे कि भाजपा वाले खाली हिंदू लोगों के लिए बोलते थे, लेकिन अपने राष्ट्रपिता कौन है? नहीं, राष्ट्रपिता राष्ट्रपति कोविंद कोविंद ये बौद्ध है, रामनाथ जी कोविंद बौद्ध समाज के। अभी कश्मीर के गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण दिया गया, कौन है वो? मुसलमान है। मतलब एक प्रूव किया कि जो राष्ट्र से प्यार करेगा भाजपा उसकी इज्जत करेगा, इंसान के रास्ते पे चलने वाले लोगों को ताकत देना, उनको प्यार देना, उनके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना, ये हमारा काम है। कभी कभी गाड़ी छूट जाती है लेकिन आगे आने वाली गाड़ी हम तो पकड़ने वाले हैं, नई मुंबई महापालिका तो पकड़ने वाले हैं। लेकिन जैसा मौका मिला ऐसा स्टीयरिंग पकड़ने वाला हमारा देवेंद्र फडणवीस जी है और देवेंद्र फडणवीस जी के गाड़ी में गणेश नायक तो जरूर बैठने वाले। लोगों के दुख में जो सहभागी होते हैं वो लोगों के प्यार के हकदार बनते हैं। जिन लोगों ने, जैसे कि अग्नि ने बोला कि भाई इलेक्शन आ गया तो जैसे बारिश में छाते खुलते हैं, ऐसे इलेक्शन के टाइम में ये लोग ऑफर लेके आते हैं और इलेक्शन कैंसिल हो गया तो किधर जाते बोलते हाउस पाम होते।
चलो अभी औरों की बुराई जो भगवान उनका भला करे, क्या बोल रहा मैं, उनका उनको स्वास्थ्य दे, उनके बाल बच्चे का भला करे, उनका भी भला करे। लेकिन जो लोगों के लिए देर से मेहनत से काम करना चाहते उनको भगवान ताकत दे, ये भी बोलने को नहीं मिली। यहाँ पे अमित मेडिकल ने उस ढंग का काम किया। अमित मेडिकल तुर्वा स्टोर में खाली फेमस नहीं है, अमित मेडिकल चाहने वाले दीघा से लेकर सिमड़ी तक हर कार्यकर्ता ने मन में अमित मेडिकल में अपना प्यार जताया, क्योंकि बहुत शांति से बात करते, अहंकार की बात नहीं करते, भ्रमण की बात नहीं करते, ज्ञान की बात नहीं करता। ज्ञान है, जेब में पैसा भी है, शरीर में ताकत भी है, कार्य क्षमता भी है, लेकिन आर्टिफिशियल नौटंकी करने का काम अमित मेडिकल नहीं कर रहा। मैं आज आया हूँ, अभी इलेक्शन लगेगा तब तुम बोलेगा तो इधर भी आऊंगा, उधर भी आऊंगा, उधर भी आऊंगा। ओके, आप लोगों के परिवार के जैसे संबंध हम लोग रखने वाले, महिला वर्ग को हम बहन की निगाह से देखेंगे, छोटे बच्चों को अपने पोते या बेटे के लड़कों पोते बोलते हैं ना, या भतीजे के निगाह से देखेंगे, और जो पुरुष वर्ग है उनको भाई के तौर पे देखेंगे। उसमें कोई धर्म जात पंथ वर्ग का कोई भी मामला नहीं होगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में दीघा से लेकर सिमड़ी तक की जनता राष्ट्रवादी के, जो राष्ट्र को प्रेम करने वाले, जैसे मैंने कहा था, जो राष्ट्र से प्रेम करेगा उसको भाजपा अपना सम्मान देगी। तो ऐसे लोगों के लिए लोग ही फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी क्या होती है, लोगों ने लोगों के लिए लोगों खुद अपनी बनाई हुई सिस्टम, उसको ही लोकशाही बोलते हैं, फॉर द पीपल ऑफ द पीपल बाय द पीपल। और वो लोकशाही का फल खाली अकेले के घर में नहीं जाएगा, वो हर एक के घर में थोड़ा थोड़ा फल का प्रसाद बंटवारा हो जाएगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूँ।